सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिना तैयारी के मेहमानों को मत बुलाओ। यदि हम इंग्लिश में इसको बोलना चाहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तुरंत हम बोल सकते हैं डोंट इनवाइट गेस्ट विदाउट प्रिपरेशन, करेक्ट। लेकिन ये तो हो गई हमारी नॉर्मल इंग्लिश। लेकिन यदि हमें एडवांस इंग्लिश में बोलना है, हमें किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में इस सेंटेंस को यूज करना है, किसी ऐसे फ्रेंड से बोलना है जो बहुत बड़ी कंपनी में वर्क करता है, तो क्या हम इसी इंग्लिश को फॉलो करेंगे? नहीं करना है। तो आप क्या बोल सकते हो? डोंट इनवाइट गेस्ट ऑफेंड। तो यहां पर जो ऑफेंड है उसका मतलब होता है बिना तैयारी के, जैसे कि बिना तैयारी के एग्जाम मत दो, बिना तैयारी के खाना मत बनाओ। तो हम कैसे बोलेंगे? डोंट कुक फूड ऑफेंड, डोंट टेक एग्जाम ऑफेंड। तो यहां पर यदि आपको बिना तैयारी के वर्ड मिलता है तो आगे से आपको यूज करना है ऑफेंड, बार बार बोलना है, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने हैं और हमसे आपको जुड़े रहना है। इसी तरीके से आप परफेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।